नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत की लगातार बढ़ रही सैन्य शक्ति से देश रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय सेना और वायु सेना की दमखम की बात तो पूरी दुनिया में होती ही रहती है। अब नौसेना भी अपनी शक्ति में जबरदस्त इजाफा कर रही है। वो दूसरे देशों के साथ कई तरह के नौसैनिक अभ्यास कर रही है। इसी कड़ी में अब वियतनाम का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ, भारतीय सेना ने 13 से 16 अप्रैल के बीच वियतनाम के समुद्री इलाके कॉन्ग रैन खाड़ी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इस दौरान हार्बर और सी फेस के अभ्यास किए गए। इस अभ्यास से चीन में खलबली मच गई है। उसके पसीने छूटने लगे हैं कि भारत ने उसके इलाके पे इतना बड़ा सैन्य अभ्यास कैसे कर लिया। अब चीन कुछ भी सोचे, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है। सभी बड़े देश भारत के साथ आपसी तालमेल चाहते हैं और इस प्रकार के सैन्य अभ्यास करना चाहते हैं। वियतनाम के भारत के साथ इस सैन्य अभ्यास को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बता दें कि भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास 13 से 16 अप्रैल के बीच में हुआ था। इस सैन्य अभ्यास की अगुवाई भारतीय पोतों के कमांडर कैप्टन आदित्य हरा और कैप्टन श्री राम अमूर ने की थी। इस सैन्य अभ्यास में भारत के विध्वंसक पोत INS कोलकाता और INS शक्ति शामिल हुए थे। वैसे बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि भारत ने वियतनाम के साथ सैन्य अभ्यास किया हो। पिछले साल 21 से 26 मई को इससे भी बड़ा नौसैनिक अभ्यास हुआ था। वो अभ्यास वियतनाम के समुद्री इलाके में हुआ था। यह अभ्यास देखने में तो छोटे लगते हैं, पर जब से चीन की सक्रियता भारत में बढ़ी है, इन अभ्यासों का महत्व काफी ज्यादा हो गया है। इन अभ्यासों से भारत अपनी रणनीति को दूसरों देशों के साथ धार दे रहा है और चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश। वैसे बता दें, ये अभ्यास सिर्फ भारत के लिए सही नहीं है, बल्कि वियतनाम के सैन्य शक्ति में भी इजाफा हुआ है। लगातार हो रहे नौसैनिक अभ्यास के चलते वियतनाम को भारत से पनडुब्बी, नौसैनिक विमानन और डॉकयार्ड की ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा दोनों देश सुरक्षा से जुड़ी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब इस तरह के अभ्यासों से दोनों देशों के तालमेल बेहतर होंगे ही और साथ में एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। यह विश्वास भारत के कूटनीतिक जीत के लिए अहम है। वैसे बता दें कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के और वियतनाम के रिश्तों को एक नई ऊंचाई में पहुंचाया था। उन्होंने वियतनाम के साथ कई करार किए हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत सुरक्षा प्रदान की थी। तो मतलब साफ है कि अगर भारत दक्षिण समुद्र में नौसैनिक अभ्यास करता है तो यह उसकी बढ़ती ताकत और चतुर कूटनीतिक का प्रतीक है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।